हेलो गाइस, आज होने वाली है बहुत ही डरावनी चीज़ें। मतलब क्या ही बोलूँ। हम और राजस्टार खेल रहे थे, ठीक 12 बजे रात थी या 10:45 बज रहे थे, तो हम लोग खेल रहे थे। ऐसे ही मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं खेल रहा था। तो क्या हुआ था कि हम और राजस्टार ऐसे ही क्लासिक गेम प्ले खेल रहे थे, तो उसी समय कुछ ऐसा हुआ जो तुम इस वीडियो में देखना। मतलब क्या ही बताओ यार, पूरा ही मेरा तो बहुत दिल धड़कने लगा था यार। ऐसा कैसे हो सकता है? वो हो राजस्टार ने उड़ा साला फर्स्ट आया, कोई बात नहीं। तो गाइज मेरा तो पूरा हार्ट बीट इतना तेज चल रहा था इस चीज़ को देख के यार। और तुम भी इस वीडियो को देखोगे तो थोड़ा डर जाओगे। अगर प्लीज़, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल करना सब्सक्राइब ऐसे मोर वीडियोज़ के लिए। तो चलो यार, अब गेम प्ले इधर ही स्टार्ट हो जाता है। गाइज इधर ऐसी चीज़ होती है गाइस, तुम सोच भी नहीं सकते हो। मतलब यहाँ पे हम आ तो गए प्लेन में, और मैंने देखो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे प्लेन में, और पता नहीं यहाँ क्या होता है कि बहुत मुझे डर लगता है, तो देखते रहना। तो यहाँ पे मैंने नहीं, यहाँ पे इजिक्ट नहीं किया था। हाँ, यहाँ पे इजिक्ट कर दिया था। पता नहीं यहाँ राजस्टार को क्या हुआ था, और देखो राजस्टार पीछे ही छूट गया। तब मैंने इसे बोला था, मैं इसे बोल रहा था मगर इसकी कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही थी। माइक खोल के बोला था मैंने, वो सीन कर दिया तो कोई बात नहीं। और मैंने बोला था कि कहाँ जा रहा है यार तू, हमारे साथ रहना, तो ये नहीं आया पता नहीं क्यों। और इसका कुछ आवाज़ भी नहीं आ रहा था, तो मैं बीमा स्ट्रिप पे उतर गया, ऐसे ही उतर गया। और फिर मैं उसको खोजने लगा था कि कहीं वो पीछे उतरा नीचे उतरा। फिर मैंने मैप खोल कर सोचा कि चलो देखते हैं, मैंने सोचा पहले मैप खोल के बाद में देखेंगे यहाँ पे। और फिर मैं लूटने के लिए चल गया, मगर मुझे दिख गया एक बंदा, तब तो मेरी फट गई। मैं मुझे लगा यार मार देगा, उसके पास गन है, मगर एक्चुअली में उसके पास गन ही नहीं थी। और मैंने इसे मुक्का से मारने की ट्राई किया मगर ये मरा नहीं। तो मुझे समझ आ गया उसका इंटरनेट लैग कर रहा है। तो नीचे बहुत फाइटिंग चल रही थी, तो मैं सोचा यहाँ से सटक लेते हैं। फिर मुझे लगा राजस्टार कहाँ उतर गया, तो मैंने मैप खोल के देखा, तो देख सकते हो यार दम कोना में उतर गया। और उसकी हिलने डुलने की भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, हिल भी डुल नहीं रहा। तो यहाँ पे मैं बहुत डर गया था, बिकॉज़ क्या यार वो मैच छोड़ के भाग गया, क्या किया मगर समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर मैं सोचा कि चलो थोड़ी गन ले लेता हूँ, वहाँ भाग गया तो भी क्या हुआ, मैच फिर भी अकेले कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं अपने आराम से लूट ही रह रहा था, मगर गन वन मिली नहीं, अपनी किस्मत ख़राब थी इधर। हाँ, तो ऐसे लूट रहा था, मुझे लगा कि उधर चल के देखते। तभी से यहाँ आया एक पंडू भाई, पांडा भाई। तब मैं यहाँ पे सही में इतना शॉक हो गया कि ये किसका पांडा है, मेरा तो टोरो है भाई, ये किसका पांडा आ गया। तो मैं यहाँ बहुत डर गया था यार, ये पांडा कहाँ से आ गया। और गाइज एक चीज़ मुझे, और यार इसने मशरूम भी खाया गाइज, मतलब सोच सकते हो यार पांडा मशरूम्स खाने लगे। और मुझे बहुत डर लग रहा था यार यहाँ पे कि कहाँ गया यार राजस्टार, उसका मतलब ये पांडा कहाँ से आ गया उसकी जगह पे, पता नहीं ये पांडा कहाँ से आ गया गाइज, नहीं पता नहीं। ये उधर से भी मैं स्ट्रीट की तरफ से आया, तो मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे हो गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डर गया था कि कैसे हो सकता है, कोई पांडा कैसे दो आ सकता है इधर चल सकता है। और फिर ये गायब भी हो गया था, तब मैंने सोचा कि चलो गिलीच उलीच हो गया होगा, आराम से गन लूटते हैं। फिर मैंने देखा यार वहाँ गाड़ी कैसे फट गई, और वहाँ भी एक बंदा भी आ रहा था मगर वो मर कैसे गया। तो ये तुमने भी देखा, तो ये पांडा ने मारा। ओ भाई, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सही में पागल हो गया था कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है पांडा भाई। और यहाँ पे ये बहुत मैं वियर्ड टाइप का फीलिंग आ रहा था मुझे, और मेरे पास इसकी गोली नहीं थी, तो ये पांडा ने यहाँ छोड़ भी दिया। वाह भाई, अच्छा पांडा था यहाँ। और ये सही में मैं यहाँ डरा हुआ था, क्योंकि ये कैसे हो सकता है फ्री फायर में। और एक तो ये 12 बजे रात को हुआ था, ये सब 10:45 कितने बज रहे थे, 12 बज रहे थे या 10:45, इतना मैं खेल रहा था। ऐसे ही मिनट क्या खेलने लगे, जैसे नींद आ जाती है अच्छी वाली। तो यहाँ पर हम लोग खेल रहे थे, और फिर मैंने चेक किया कि कहीं राजस्टार ऑनलाइन आ गया होगा, मगर नहीं आया यार, नुबड़ा पता नहीं साला कहाँ भाग गया। और फिर मैंने यहाँ एक आध दो गन लूटी, और फिर मैं उस पांडा को सोच रहा था कि वो चला गया, मगर असली में तो वो शायद ऊपर होगा। नहीं यार, ऊपर नहीं हो सकता असल में, शायद वो पता नहीं वो पांडा गाइस कहाँ गया, शायद वो भी मस्त लूट रहा होगा। वैसे उसकी गन वन ये सब नहीं दिख रही है, गन वन।
और ना ही उसका बैग वैग दिख रहा है। ओहो, गेट पे खड़ा है पांडा साला। तो इससे मैं बहुत डर रहा था, मैं ऐसे सोच रहा था दूर ही रहो साला, मुझसे बहुत डर लग रहा था। ओहो, पांडा गांड खुजला रही अपनी, इंच गार्ड लगा ले। तो यहाँ पे ये मैं फांस ले लेता हूँ यार ऐसे टाइम पास के लिए। वैसे तो मुझे पता ही है पांडा यार सबको मार ही देगा, क्योंकि ये गिरेना का पांडा है तो थोड़ा ताकतवर होगा। तो यहाँ पे ये पांडा मुझे लग रहा था बहुत डर लग रहा था इससे। तो कोई आते मैं यहाँ से चल जाता हूँ, और फिर ये पांडा मुझे लगा था कि मेरे पीछे ही आ रहा है, मुझे भी लग रहा है। तो यहाँ पे मैं लूट रहा था, और फिर से मुझे यहाँ लगा कि वो पांडा भाग गया, और यहाँ पे मैं खुश हो गया। अगर ऐसा नहीं था वो पांडा यहाँ। और लास्ट में तो सबसे कमाल की चीज़ हुई थी, उसे देखना मत भूलना, अभी ही होगी थोड़ी देर बाद यार, दिखना तुम जरूर, उसको देख के तुम भी पागल हो जाओगे मेरी तरह। ओहो, पांडा साला बाहर खड़ा है, क्या रोल में खड़ा है यार। ओहो यार, इससे मुझे बड़े डर लग रहा था, मगर कुछ भी कहो पांडा, मैं कैसे सोच सकता था मेरे पास दो पेट आ जाएंगे, इन गेम टू पेट्स। ओके ड्रैगन हूप, कौन नूबड़ा ने छोड़ दिया, छोड़ो यार। अरे यार, ड्रैगन हूप कैसे गायब हो गई? अरे यार, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ यार, ड्रैगन हूप गायब हो गई यार। मैं यहाँ घर से भागता हूँ यार, कोई भूत होते हैं इस घर में, भागो भागो। अरे यार भागो यार, मुझे डर लग रहा है यार कसम से, यहाँ पे मैं बहुत डर गया था। और इस साले फाड़ने तो यहाँ पे भी लूटने आ गया, अच्छा नहीं कर रहे। अरे साले पांडे ने तो ये M10 गिरा दी। ओके पंडू भाई भाग गए, चलो अच्छा हुआ। अरे नूबड़े, कौन सी आत्मा है पांडे की, रे मेरे पीछे पड़ गई है, चलो यार चलो। तो यहाँ पे पांडा मुझे बहुत सता रहा था यार, ये मुझे लग रहा था कि मुझे लगा कि गोस्ट है ये, सही में लग रहा था ये भूत भूत होगा कोई। मगर यहाँ पे मैं आराम से लूट रहा था, और मैंने सोचा कि गाड़ी लेके भाग जाते हैं, मगर छोड़ो एक बार देखते हो पांडा क्या क्या चीज़ें करता है। सो मैंने यहाँ सोचा कि चलो एक बार फोड़ के देखते ड्राम, वो मुझे रिवाइव देगा, मगर मैंने नहीं किया ऐसा, बिकॉज मुझे लगा वो रिवाइव दे या ना दे ऐसा कुछ पता होता इसका ठिकाना है ही नहीं, पता नहीं ना देगा तो मैं तो मर जाऊँगा ना भाई, तुम मज़ा कैसे आएगा। अभी तो मुझे इसके साथ और रहना है, देखना है क्या करता है। तो वो पता नहीं वो पांडा साला कहाँ गया। ओके मुझे, मैं 2 नंबर के बिल्कुल पास आ गया था रास्टर के, मगर मैं वहाँ नहीं गया बिकॉज पता नहीं वो दिखेगा कि नहीं। ओहो, मॉन्स्टर ट्रक गिरी हुई है वहाँ पे। ये साला पांडा मेरे ओटोरो के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहा है। ओहो, दोनों की पकड़म पकड़ाई चल रही है। अरे यार, अब ये कहाँ चल गया रे। चलो छोड़ो, हम अपनी लूट में मस्त रहते जमे से, हमें मतलब ही क्या है। सो यहाँ पे हम लोग चल जाते हैं। अरे यार, ये वाला भी मशरूम खा लिया चूतिए ने, मशरूम खाता है साला। अरे कहाँ भाग गया रे। ओहो, नुबड़ा साला तेज है, तेज लौंडा है। तो यहाँ पे हम लोग चल जाते यार, ये शायद राइट स्टार के पास जा रहा है क्या, आई थिंक ये वही जा रहा है। अरे पांडा साला निकल गया यार, इस पांडा के पास इतना फ्री फायर खेलने का दिमाग कहाँ से आया, यहाँ तो बॉट लोग के पास भी इतना दिमाग नहीं होता है, ये कैसे खेल पा रहा है इतना अच्छा। एक बंदे को किल भी कर दिया, अगर ये बॉट होता तो ऐसा नहीं कर पाता। तो मैं यहाँ राइट स्टार के पास आता हूँ, अगर वो मुझे कहीं दिखता नहीं है तो मैं सोचता हूँ यार सही में कुछ, कहाँ पे डर गया था भाई कसम से, बहुत डर गया था कि राइट स्टार कहाँ चल गया, कहीं वो बाजू वाले खेत में तो ना चलिए। तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो यार यहाँ पे, फिर मेरे दिमाग में आता है चलो यहाँ पे एक और ड्रम ब्लास्ट करके मरता हूँ और देखते क्या होता है, क्या ये पांडा मुझे रिवाइव देता है गाइस, चलो देखते हैं। तो यहाँ से थोड़ी लूट ले लेते हैं, तो चलो यार वो पांडा का थोड़ा एग्जमाते क्या वो मुझे रिवाइव देगा। ओके, अरे यार फुट, हाँ फुट गए, देखते गाइस वो पांडा मुझे रिवाइव देगा। वैसे भी ये गेम मुझे खेलने का मन नहीं है, बहुत डर लग रहा है मुझे। ओहो यार, पांडा मुझे रिवाइव दे रहा है, व्हाट द फक मैन, पांडा मुझे रिवाइव देने आ गया गाइस, पांडा यार ये कैसे हो सकता है, पांडा कैसे रिवाइव देने लगे यार, काश मेरा भी ऑटो ऐसे होता है।
यार पता नहीं यार क्या हो गया था, मैं बहुत डर गया था यार सही में। कुछ भी कहो, तुम्हें भी थोड़ा लग रहा होगा ये कैसे कर सकता है कोई, भला कोई पांडा कैसे रिवाइव दे सकता है यार। यहाँ तो अपने बॉट रिवाइव नहीं दे पाते, ये रिवाइव देने लगा, एक जानवर रिवाइव दे रहा है। वाह ताली ठोको एक, वाह वाह। तो वहाँ पे है मॉन्स्टर ट्रक, छोड़ो यार मैं ऐसे नहीं चलूँगा, मैं अपनी लूट में बरकरार रखता हूँ। वैसे वो पांडा साला किधर पीछे उछे छूट तो ना गया, ऐसे वो मर भी जाए तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको पिन कर देते हैं, शायद वो पांडा इसको ले सकते। ओहो ओ भाई ये क्या हो रहा है अपने आप, मॉन्स्टर ट्रक सो गाइस मॉन्स्टर ट्रक में आत्मा समा गई है, मेरी जड़ी बूटी जल चुकी है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार, ओवर एक्टिंग हो गया। चलो यार ये कैसे चल रहा है यार, मैं डर गया हूँ यार सही में, ये पांडा साला कैसे इसको चला रहा है और दिख भी नहीं रहा है, तू भूतिया साया है मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत। ओहो यार, और यार ड्राइव इंटर सब का ऑप्शन आ रहा है यार, क्या टिप एंटर टिप था। चलो उड़ी साला ये तो चलने लगा, उड़ी यार गाइस ये क्या हो सकता है, अब मुझे कोई बोलेगा ये कैसे हो सकता है यार, यार ये कैसे हो सकता है, कोई मुझे कमेंट में बताना। तो यार अपने आप गाड़ी चलती है, रुक जा देखता हूँ रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं, हाँ रिकॉर्डिंग थोड़ी। तो यार कोई अपने आप गाड़ी चला सकता है मुझे कोई ये बताओ यार, मतलब अपने आप गाड़ी चलने लगे। ओहो फ्री फायर का नया ग्लिच पैदा हो गया है गाइस, और ये कैसे हुआ मुझे भी नहीं हुआ, किसकी इसकी मम्मी कौन है मुझे भी नहीं पता, मम्मी तो ग्रेना वाले ना हो गए। ओहो यार मैं बहुत डर गया था यहाँ पे, सीरियसली मैं बहुत डरा हुआ था यहाँ पे। फिर आगे बंदे होते हैं, फिर पता नहीं ये मॉन्स्टर ट्रक वहाँ जाके रुक जाती है पता नहीं कैसे, यहाँ से पहले कूद लेता हूँ। और फिर मैंने उस बंदे को मारने की कोशिश की थी मगर वो पता नहीं गिर गया शायद बेचारा नीचे। और यार फिर मुझे ये पांडा यहाँ दिखने लगता है, तो मैं यहाँ पे इसको देखने लगता हूँ, और मुझे लगा कि आगे बंदा है और मेरे पास ग्लू वाल भी नहीं थी। वाह भाई वाह, तो ये पांडा पता नहीं शायद शायद इसको कोई मार नहीं सकता इसीलिए ये आगे भागे जा रहा है, शायद ये कहाँ मरेगा वरेगा थोड़ी, ये पांडू भाई है ना ये मर कैसे सकते हैं। तो वो चुरोनो लगा के बैठ गया साला चीतिया कहीं का, तो मैं यहाँ से पीछे। ओहो दो दो लैम्बोर्गिनी, किसकी इतनी औकात हो गई यार, दो दो लैम्बोर्गिनी उठा के ले आए। चलो चढ़ो यार यहाँ पहाड़ पे चढ़ जाता यार, मेरे पास अब एक ही ऑप्शन है उसको पास से जाके मारने का, या फिर दूर से तो मारना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। तो यहाँ से मैं ऐसे पूरी मारने की कोशिश करता हूँ, ओह मार भी दिया, रे बॉय जिंदाबाद, कोई बात नहीं चलो आगे जाके देखते क्या होता है। तो पांडा साला नहीं आ रहा है मगर मैंने बहुत डर गया यार। सो गाइस अब मुझे खेलने का बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि अभी 12:30 हो गए यार, 12:30 हो गए, तो मैं यहाँ से एक्सिट कर लेता हूँ बिकॉज मैं बहुत डर गया, बिकॉज मैं बहुत डर गया, इतना डर गया कि मेरी पूरी गांड फट के हाथ में आ गया। तो आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल करना, सब्सक्राइब, ऐसे मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए बाय।